लजी आजकल चूंकि सैनिमेशन में बांधे हुए हैं और फिल्में देखने को नहीं मिल रही, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको फिल्म इंडस्ट्री की सैर करवा देता हूँ। अरे वाह। मगर चूंकि आपको पता है कि अय्यूबी एक खुद इंटरनेशनल लेवल का इंसान हुआ है, क्या जमीन माफ कर तो इसलिए जरा इंटरनेशनल लेवल की ही मैं बात आपको सुनाना चाह रहा हूँ। हॉलीवुड का एक एक्टर हुआ है टॉम क्रूज, हाय 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 पाजनैद, उसके मतलब मैंने मालूमात पड़ी है, मैं हैरान हो गया हूँ। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है या कामयाबी से नवाजता है तो फिर इस तरह के लोगों को देख के ईमान से सबक हासिल होता है कि मेहनत करो। बहुत खुले मैदान पड़े हुए हैं जी। ये टॉम क्रूज वो भाई है जो जीरो से हीरो बना हुआ है और इस वक्त वो हॉलीवुड सिनेमा की तस्वीर है। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, ये तरबूज किसी किसी का मीठा निकलता है यार, तरबूज नहीं क्रूज। अच्छा क्रूज, टॉम क्रूज। अच्छा दो यार तू उन्हें फड़ के भी यहाँ हीरो बना दे। दीदी ऐसी सीरियस बातें हमें बताया करो, ये मजाही आदमी। हाँ मैं मजाही आदमी। तेरा भी याद हो लजी, ये जो टॉम क्रूज साहब हैं ये सिर्फ खुश शक्ल ही नहीं जी, इनकी मुस्कुराहट भी अय्यूबी की तरह बहुत प्यारी है। और पहले मैं सिर्फ इतना सा तारफ करा दूं कि इसने जितना भी काम किया है जी, ये इतना महंगा हीरो है, इतना महंगा हीरो है कि किसी ने इसका अंदाजा निकाला है, इसका हिसाब निकाला है, कैलकुलेशन निकाली है जी, तो पता चला है कि टॉम क्रूज साहब जो है ना जी, इन्होंने आज तक जितने पैसे लिए हैं फिल्मों के उस हिसाब से ये एक डायलॉग का $7,000 लेता है। एक डायलॉग बोलने का इस शख्स की एवरेज निकलती है $7,000। $7,000 के लिए लोग उधर बैंकों में धक्के खा रहे होते हैं और इस भाई ने एक डायलॉग का अपनी जिंदगी में $7,000 एवरेज के हिसाब से पैसा कमाया। अच्छा जी, ये सिर्फ फिल्मों का हीरो नहीं, ये असल जिंदगी का भी हीरो है। अच्छा जी, वो इस तरह के लंदन में एक दफा एक फिल्म का प्रीमियर शो हो रहा था जी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। अच्छा, फिल्म के प्रीमियर के दौरान एक माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेके आई हुई थी। पहले तो बंदा पूछे, भाई तू निके निके बालन क्यों ले, ये टॉम क्रूज आया है, अबे जंगली चो बाहर आ गया तो कितने बच्चे सामने। हाँ हाँ, इनका साहब शेर वाला ही होता है। लो जी, माँ मुंह उठा के इधर उधर फिल्मी सितारों को देख रही थी, बच्चों का ध्यान ही नहीं था। टॉम क्रूज जो स्टेज के ऊपर खड़ा ये देख रहा था, माँ को और बच्चों को देख रहा था, उसने नोटिस किया। अच्छा, कि वो छोटे छोटे बच्चे लोगों की भीड़ में गिर गए। माँ को भी नहीं होश थी और लोगों को भी नहीं होश थी। राशि उधर इतना था, टॉम क्रूज आया। लेकिन टॉम क्रूज ने स्टेज से स्लो मोशन में डाई मारी है सीधा। अच्छा, और ऊंची आवाज में लोगों को कहा कि रुक जाओ, हमारे नीचे बच्चे आ गए। फौरन इसने फटाफट लोगों को इधर उधर करके तो बच्चों को रेस्क्यू किया। अरे बारे बारे। इसकी इस हरकत से वो इतनी दुनिया पे ये यूरोपियन कंट्रीज में फैली इसकी ये बात कि लोग अब उसको जाती जिंदगी में भी हीरो मान। क्या बात है। अब आते हैं टॉम क्रूज की असल जिंदगी की तरफ। इसका जो स्टार्ट है ना जी, टॉम क्रूज कोई 3 जुलाई 1962 को न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। अच्छा जी, मेरे से ये 20 साल बड़ा है। जब ये 12 साल का था ना जी, तो इसके वालदेन के दरमियान तलाक हो गई। हाय हाय, जो वहां पे अक्सर हो जाती है। उसमें जो बच्चे हैं ना जी, या तो वो बेचारे बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं, अल्लाह ना करे खजल हो जाते हैं, या फिर वो उससे कोई बहुत बड़ा तगड़ा सबक पकड़ते हैं या जज्बाती होते हैं और फिर बहुत कामयाब। बहरहाल 12 साल की उम्र में इसके वालदेन की तलाक हो गई और ऊपर से इसका जो वालद था वो एक नौकरी पेशा गरीब आदमी था, जिसकी वजह से ये इसने टॉम क्रूज ने गुर्बत को बड़ी नजदीक से देखा हुआ। अरे वाह, आप हैरान होंगे कि टॉम क्रूज ने घरेलू हालात की वजह से कोई 15 स्कूल बदले। अच्छा। कभी फीस नहीं दे रहा, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, बेचारा स्कूल बदलता जी। और इसके वालदेन के दरमियान तलाक की वजह भी बेरोजगारी।
गुर्बत थी, वालद की ट्रांसफर, नई नौकरियों की तलाश, खजल खराबी, बस फिर वालदेन में वो अंडरस्टैंडिंग ना लेकर वहां पे तो अगलियां मिनट च कह देंदिया ने ओके बाय बाय, ये बाय बाय से तलाक हो जाती। नहीं जी चलो फिर स्टोरी बता लेंगे। उधर छह साले आ गए जी तलवंडी मूसे तो। अच्छा। भी फिर नौ भरा आ गए चक्रमदास तो। फिर पंचायत में पंचायत, पंचायत में पंचायत, डांगा निकल आई है जी। फिर उन्होंने एक दूजे के सिर खोले गोरे इसी तरह करते हैं ओके बाय बाय गल में जी जी। फिर यहाँ ज्यादा खोलते हैं, वहां पे पोल ज्यादा खोलते हैं। पोल भी नहीं खोलते, बस बाय बाय दे हो गए। लो जी टॉम क्रूज जो है चौथी जमात से इसने ड्रामे की क्लासें लेनी शुरू कर दी और फिर काफी देर तक ये स्टेज ड्रामे में छोटे मोटे रोल करता रहा। अच्छा। फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था। अच्छा। लेकिन फुटबॉल टीम से भी इसलिए निकाल दिया गया कि मैच खेलने से पहले बियर पीता हुआ पकड़ा गया। अच्छा 1980 में इसने न्यू जर्सी से फिर ग्रेजुएशन की। फिर ग्रेजुएशन के बाद अपने कैरियर का आगाज किया, एक्टिंग स्ट्रगल शुरू कर दी, टीवी की कमर्शियल में भी इसने काम किया, फिर लॉस एंजलिस चला गया। लो जी 1981 में इसका एक फिल्म जिसका नाम था एंडलेस लव। इस फिल्म में टॉम क्रूज को सिर्फ को 41-42 सेकंड का बतौर फुटबॉल प्लेयर एक सीन करना पड़ गया। अच्छा। चांस मिला इसको। फिर एक फिल्म में कोई छोटा मोटा कोई सिपाही का रोल किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते करते किस्मत की देवी मेहरबान हुई तो इसने 1986 में फिल्म थी एक टॉप गन। टॉप गन में जिसका बजट को $15 मिलियन था, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कोई $356 मिलियन कमाए। उसमें टॉम क्रूज फिर रातों रात जो है वो हॉलीवुड का सुपर स्टार बन गया। इसका मतलब है इसने भी औरत के सिर पे तरक्की की है। इस स्टोरी में औरत कहाँ थी जी? अभी तो कह रहे हो कि किस्मत की देवी मेहरबान। यानी ऐसे नलायक आदमी के साथ डिस्कशन भी फजूली होती है। बिल्कुल इस तरह ही है कि बंदा हलवाओ दे के रख दे जिन्हों पता ही नहीं है सूजी का बन। यानी अगला कह लग पे भाई जी लेवी दे उत्ते मेवे पा लिया। ये लोगों को बच्चों को अगली नस्ल को बताता हूं कि बड़ा बड़ा माड़ा आदमी बेचारा बड़ी खजल खराब जिंदगी में मेहनत करके देखो क्या शिकार बने के $7,000 फी कस के हिसाब से डायलॉग। नाजिन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये गुर्बत को बड़ी नजदीक से देखा हुआ। अरे वाह। आप हैरान होंगे कि टॉम क्रूज ने घरेलू हालात की वजह से कोई 15 स्कूल बदले। अच्छा। कभी फीस नहीं दे रहा, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, बेचारा स्कूल बदलता ना जी। और इसके वालदैन के दरमियान तलाक की वजह भी बेरोजगारी, गुर्बत, गुर्बत, वालद की ट्रांसफर, नई नौकरियों की तलाश, खजल खराबी, बस फिर वालदेन में वो अंडरस्टैंडिंग ना लेकर वहां पे तो अगलियां मिनट च कह देंदिया ने ओके बाय बाय। ये बाय बाय से तलाक हो जाती? नहीं जी चलो फिर स्टोरी बता लेंगे। उधर छह साले आ गए जी तलवंडी मूसे तो। अच्छा। भी फिर नौ भरा आ गए चक्रमदास तो। फिर पंचायत में पंचायत, पंचायत में पंचायत, डांगा निकल आई है जी। फिर उन्होंने एक दूजे के सिर खोले गोरे इसी तरह करते हैं ओके बाय बाय गल में जी जी। फिर यहाँ ज्यादा खोलते हैं, वहां पे पोल ज्यादा खोलते हैं। पोल भी नहीं खोलते, बस बाय बाय दे हो गए। लो जी टॉम क्रूज जो है चौथी जमात से इसने ड्रामे की क्लासें लेनी शुरू कर दी और फिर काफी देर तक ये स्टेज ड्रामे में छोटे मोटे रोल करता रहा। अच्छा। फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था। अच्छा। लेकिन फुटबॉल टीम से भी इसलिए निकाल दिया गया कि मैच खेलने से पहले बियर पीता हुआ पकड़ा गया। अच्छा 1980 में इसने न्यू जर्सी से फिर ग्रेजुएशन की। फिर ग्रेजुएशन के बाद अपने कैरियर का आगाज किया, एक्टिंग स्ट्रगल शुरू कर दी, टीवी की कमर्शियल में भी इसने काम किया, फिर लॉस एंजलिस चला गया। लो जी 1981 में इसका एक फिल्म जिसका नाम था एंडलेस लव। इस फिल्म में टॉम क्रूज को सिर्फ को 41-42 सेकंड का बतौर फुटबॉल प्लेयर एक सीन करना पड़ गया। अच्छा। चांस मिला इसको। फिर एक फिल्म में कोई छोटा मोटा कोई सिपाही का रोल किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते करते किस्मत की देवी मेहरबान हुई तो इसने 1986 में फिल्म थी एक टॉप गन।
जी जी, टॉप गन में जिसका बजट को 15 मिलियन डॉलर था, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कोई 356 मिलियन डॉलर कमाए। उसमें टॉम क्रूज फिर रातों रात जो है वो हॉलीवुड का सुपर स्टार बन गया। इसका मतलब है इसने भी औरत के सिर पे तरक्की की है। इस स्टोरी में औरत कहाँ थी जी? अभी तो कह रहे हो कि किस्मत की देवी मेहरबान। यानी ऐसे नलायक आदमी के साथ डिस्कशन भी फजूली होती है। बिल्कुल इस तरह ही है कि बंदा हलवाओ दे के रख दे जिन्हों पता ही नहीं है सूजी का। यानी अगला कह लग पा भाई जी लेवी दे उत्ते मेवे पा लिया। ये लोगों को बच्चों को अगली नस्ल को बताता हूं कि बड़ा बड़ा माड़ा आदमी बेचारा बड़ी खजल खराब जिंदगी में मेहनत करके देखो क्या शितार बने के 7000 डॉलर फी कस के हिसाब से डायलॉग। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।